अरे यार, एक तो बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी टैक्सी वाली जॉब मिली थी, और शहर में इतने क्राइम बढ़ गए हैं कि किसी ने मेरी टैक्सी भी चोरी कर ली, मेरा बॉस तो मुझे जान से ही मार देगा। ये अवेंजर्स पता नहीं कहाँ चले गए हैं, शहर में इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, पुलिस तो बिल्कुल नाकारा है हमारी, अब तो अवेंजर्स ही बचा सकते हैं। अरे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मेरा बॉस कॉल कर रहा है मुझे, कॉल कट कर दिया मैंने। अरे दोस्तों मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये सब के सब गॉड बन गए हैं। अरे आयरन मैन, तुम तो गॉड आयरन मैन बन गए हो। अरे यार मेरा बॉस मुझे कॉल कर रहा है यार, मुझे तो डर लग रहा है बहुत। अरे बाप रे, अरे आओ फ्रैंकलिन, देखो हम गॉड बन गए, मजा आ रहा है। हाँ, मैं भी गॉड बन गया, मैं हूँ गॉड हल्क। ओ मैं हूँ मास्टर हल्क। अरे प्लीज़ दोस्तों मुझे बताओ ना, तुम सब गॉड हल्क और सारे के सारे तुम सब गॉड कैसे बन गए? मेरा बॉस मुझे जान से मार देगा, मुझे उसकी टैक्सी वापस लौटानी होगी, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। हाँ हम तुम्हारी परेशानी समझ सकते हैं, असल में हमारे आजकल बॉस ऐसे ही होते हैं। वैसे मेरा बॉस तो कोई नहीं है, मैं तो खुद गॉड आयरन मैन बन गया हूँ, तो प्लीज़ दोस्त मुझे बताओ। अरे यार तेरी तो, मेरा दोस्त, अरे मेरा बॉस मुझे मार देगा, प्लीज़ दोस्तों आप लोग थोड़ी बहुत मुझे सुपर पावर दे दो। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन, अगर तुम्हें गॉड बनना है और पावर चाहिए और अपने बॉस की बैंड बजानी है और जिन लोगों ने तुम्हारी टैक्सी चुराई है उनको मारना है, तो जाओ नीचे, तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज मिलेगा, जाकर उससे करवा लो, कुछ ना कुछ तो कर रहा है वो, उसके पास एक मशीन है, तुम्हें बस उसका यूज़ करना है और तुम बन जाओगे गॉड फ्रैंकलिन। अरे वाह, इसका मतलब मेरा मदद करेगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक है दोस्तों थैंक यू। तो आज मुझे गॉड फ्रैंकलिन बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे गॉड फ्रैंकलिन बनके मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ और टाइटल चाहिए, मुझे क्या बनना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से गॉड फ्रैंकलिन सही नहीं लगेगा, क्या मैं गॉड वेनम बन सकता हूँ? मैं पूछता हूँ जाकर। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों नाच रहे हो? बाप रे, मेरा एक्सपेरिमेंट सफल पे सफल होते जा रहे हैं, जिसको देखो सब गॉड बनते जा रहे हैं, मैं तो बहुत ही कमाल का जीनियस जादूगर हूँ ना। अरे वाह यार, ये किस तरह की मशीन है? प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे भी गॉड बनना है। प्लीज़ किससे कैसे बनते हैं प्लीज़? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है, मैं तो बस डरा हुआ हूँ। तुम चिंता मत करो फ्रैंकलिन बेटा, बाप रे मार क्यों रहे हो? अरे यार तुम सुन नहीं रहे हो ना मेरी, प्लीज़ जल्दी करो तो बॉस मेरा मुझे मार देगा। ठीक है मैं नाचना बंद करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। असल में तुम्हें इस मशीन के अंदर जाना है और बस ऐसे ही जैसे तुम चले जाओगे इसके अंदर तुम गॉड बन जाओगे। इतना आसान तो नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, जल्दी बता क्या क्या करना है। और अरे बाप रे, और मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, करना तुम्हें इस मशीन के अंदर जाओ और जल्दी जाने के बाद तुम्हारे आगे के इंस्ट्रक्शन तुम्हें मिल जाएंगे। इसका मतलब आगे के इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे मुझे देखना पड़ेगा। तो ठीक है मैं इस मशीन के अंदर जा रहा हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे झटके लग रहे हैं किस चीज़ के? डॉक्टर स्ट्रेंज, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे कहाँ छोड़ दिया इसने मुझे? अरे गाइस मैं तो टेलीपोर्ट हो गया किसी आईलैंड पर। नहीं नहीं बहुत बुरा गिरने वाला। अरे बाप रे, और ये किस तरह की आवाज़ थी वैनम? हमारे हिसाब से यहाँ पर कोई अजनबी आया है, चलो जाकर देखते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो यार रेड वैनम, हम तुम्हारे पीछे जा रहे हैं, कोई आया होगा तो उसकी बैंड बजा देंगे। इतने टाइम से हमने किसी को खाया भी तो नहीं यार, हम किसी को खा जाएंगे। हाँ ठीक है तुम खा लेना। एक मिनट, ये तो कोई इंसान लग रहा है। अरे नहीं यार मेरी कमर टूट गई, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये कौन है? अरे यार ये तो रेड वैनम है, ये किस तरह का इंसान है? ये तो बोल रहा है। अरे तो इसका क्या मतलब है, इंसान बोलते ही हैं? हाँ ये इंसान बोलते ही हैं यार, तुम चिंता मत करो रेड वैनम, इसको तो हम संभाल लेंगे, इसको हम जिंदा खा जाएंगे। मज़ा आ जाएगा यार, टंगड़ी बना के खाएंगे इसको। एक बाप रे, मैं तुम्हारा खाना बनने नहीं आया हूँ वैनम, मुझे असल में गॉड वैनम बनना है। इसका मतलब अगर तुम मुझे अपना होस्ट बना लोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा गॉड वैनम बनने में, और तुम उस रेड वैनम से भी ज़्यादा खतरनाक बन पाओगे। चलो मेरे साथ हाथ मिला लो। तुम बकवास कर रहे हो, वैनम ऐसा कभी नहीं करेगा। वैनम जितना जल्दी हो सके इस मूर्ख को खा जाओ, नहीं तो मैं ही इसको खा जाऊंगा। हाँ ठीक है बॉस, आप जैसा बोलें वैसा करूंगा मैं। ठीक है मैं इसको जल्दी खा जाऊंगा, आप जाओ यहाँ से। जल्दी तुझे खा जाऊंगा मैं। अरे नहीं प्लीज़ कोई बचाओ, डॉक्टर स्ट्रेंज ये मुझे खा जाएगा। अरे यार मुझे तो गॉड वैनम बनना था, ये तो मुझे ही खाएगा, भागो यहाँ से। अरे बाप रे, ये डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे कहाँ फंसा दिया, जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, सब धोखा है। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी, थोड़ी बहुत पावर्स मिल जाए तो शायद मैं बच भी जाऊँ, नहीं तो मेरा बॉस वहाँ पर मुझे मार देगा और यहाँ पर वैनम, मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे यार भागो यहाँ से। अरे रे रे बाप रे, ये क्या कर रहा है मेरे साथ? अरे भैया भागो ये। अरे रे नहीं छोड़ दे मुझे प्लीज। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे जिंदा खा जाएंगे। अरे नहीं क्यों खाना चाह रहे हो मुझे? मैं तो तुम्हारा फ्रेंड, मतलब तुम्हारा होस्ट बनकर तुम्हें गॉड वैनम बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज पागल, बचा मुझे, कहाँ पर है तू? अरे यार वो तो मेरी सुन भी नहीं रहा है, मेरा तो गला भी बैठा जा रहा है गाइस चीख चीख कर।
अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे फिलहाल यहाँ से भागना होगा, मैं इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। अरे बाप रे, ये कौन से आइलैंड पर हूँ मैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर और पहाड़ी पहाड़ है। अरे भैया भागो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू नहीं बचेगा, मार दूंगा तुझे। अरे बाप रे, आराम से, नहीं नहीं पैराशूट खुल जा। अरे नहीं, पैराशूट भी नहीं खुला, कितनी बेकार किस्मत है दोस्तों मेरी। चलो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से निकल न रहे, कैसे निकलूँ यार, ये तो मुझे मार ही देगा आज। अरे बाप रे, खाना है तो ऐसे ही खा जा, जान से क्यों मार रहा है। अरे एक मिनट, ये पीछे कौन खड़ा है, तो सर डॉक्टर स्ट्रेंजर मुझे बचाना है। तू मरेगा आज, तेरा नाम क्या, जल्दी बता, तेरा नाम लेकर खाऊंगा मैं। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और तू पिट। अरे वाह डॉक्टर स्ट्रेंज, तू तो काफी सही जगह पर आया है। अरे बाप रे, ये मैं असलियत में नहीं आया हूँ, ये असल में मेरी स्पिरिट है। अच्छा तुम्हारी स्पिरिट है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर तेरी असल बॉडी होती ना तो अभी उधेड़ देता मैं तुझे, समझा। ठीक है, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन मेरी बात सुनो, असल में अगर तुम्हें गॉड वेनम बनना है तो मैंने जैसा कि वेनम को बेहोश कर दिया है तो ये मेरे प्लान का पार्ट का हिस्सा था। अच्छा, इसका मतलब ये सब चीज़ें जो हो रही थी अभी तक सब कुछ प्लान था तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक है, तुम सही समझ गए हो, मेरी बात सुनो, गुस्सा करना बंद करो, जल्दी से वेनम की बॉडी में एंटर कर जाओ, और जैसे ही तुम वेनम की बॉडी में एंटर कर जाओगे तुम्हारा टास्क होगा उसको किसी भी तरह से प्रो वेनम से लेकर सीधा गॉड वेनम बनाना। अरे वाह यार, ये तो बड़ा ही मजा आएगा, लेकिन सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान होगा नहीं मैं जानता हूँ। हाँ बच्चे, तुम सही समझे, बच्चा मत बोल मुझे, समझा तू। हाँ ठीक है गाइस, तो मैं वेनम बन जाता हूँ, अब मैं वेनम का होस्ट बनने वाला हूँ, मज़ा आएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना जितना हो सके, आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो कर ही देना प्लीज़ अब तो, क्योंकि अब तो मैं शहीद होने ही जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जल्द से जल्द वेनम बन ही जाऊँगा। अरे यही यार दोस्तों, तो हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता, तो हमें आ रहा है, बाप रे ये कौन मार रहा है हमको, है इतनी बुरी तरह से, अरे बाप रे ये लेते इधर से छोड़ेंगे नहीं हम, अरे अरे बाप रे हमारी बॉडी के अंदर कौन घुस गया, अभी तो हम बोल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। मैं घुसा पड़ा हूँ दोस्तों, तो मैं फ्रैंकलिन हूँ जो कि अब वेनम बन चुका हूँ, और रेड वेनम की तो मैं बैंड बजा दूंगा। अरे बाप रे, यहाँ तो हम दोनों सेम ही लग रहे हैं, इसको मुझे जल्द से जल्द हराना होगा जिससे कि मैं जल्द से जल्द गॉड वेनम बन जाऊँ, लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये सब करना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ें करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए चाहे मुझे, अब मैं देखता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अरे नहीं बाप रे यार, कितनी बुरी तरह से मार रहा है तेरी तो, मुझे जल्दी इसको हराना पड़ेगा, वेनम जल्दी से अपनी सुपर पावर्स यूज़ करके इसको हराओ ना। हम कैसे हराएं, ये रेड वेनम बहुत खतरनाक है, हमारी बैंड बजा देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको हरा सकता हूँ, मैं जानता हूँ, तो जी ले, मुझे गॉड वेनम बनना है ना, तो मैं इसको हरा तो सकता हूँ, ये खा बेटा। अरे वाह, मैं तो प्रो वेनम बन गया। हाँ भैया, थैंक यू सो मच, हमें प्रो वेनम। हाँ बकवास मत कर तू वेनम, समझा, मैं तुझसे कितना चीख चीख कर बोल रहा था ना कि मैं तुझे गॉड वेनम बना दूंगा, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। चल कोई बात नहीं है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क है, हम बनने वाले हैं गॉड वेनम, लेकिन मैं प्रो वेनम तो बन चुका हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ पर हो, मेरी मदद करो, मैं कैसे बनूँ गॉड वेनम। अरे बाप रे, सामने जो तुम्हें सिम्बियोट दिख रहे हैं और ये शील्ड, तुम्हें इनको हराना होगा, और जैसे ही तुम इनको हरा कर कहाँ जाओगे, तुम बन जाओगे सीधे गॉड वेनम। अरे यार, ये तो किसी ना किसी दिन मरवाएगा। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को हराना पड़ेगा किसी भी तरह से, और उसके बाद दोस्तों मैं बन जाऊंगा सीधा गॉड वेनम। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सुनता हूँ। मेरी बात सुनो, असल में मेरा बॉयफ्रेंड हल्क आजकल मुझे ज्यादा टेंशन नहीं दे रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रह लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है शील्क, तुम मेरे साथ रह सकती हो। अरे शील्क, ये क्या हुआ, आपको कौन मार रहा है? अरे ये कौन मार रहा है, कोई इनविजिबल है, अरे बचाओ मुझे, खा गया। अरे तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने शील्क को कैसे खाया, अरे तू तो मुझे भी मार रहा है। ओ, मैं तो तुझे भी मारूंगा और तुझे भी खा जाऊंगा, यहाँ आशिकी चल रही है, तुम्हारी तो आशिकी मैं चलवाता हूँ, तुम्हारी तो चले। अरे नहीं एक मिनट, अरे बाप रे यार, ये तो पावरफुल निकला, शील्क को तो ऐसे ही मार दिया था मैंने, इसको तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा बेटा, रुक। तो ठीक है, अब मैं इसको भी खा जाता हूँ। नहीं छोड़ दे मुझे, नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। अरे वाह दोस्तों, अरे क्या ही खतरनाक बन गया मैं तो गॉड वेनम, क्या ही खतरनाक बॉडी है मेरी। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था तुम बहुत कमाल के लग रहे हो, चलो अब तुम हमारी दुनिया में वापस आ चुके हो, शुक्रिया बोलो मेरा। अरे चल तेरा कौन शुक्रिया बोलेगा, चलो दोस्तों ऊपर जाके मस्ती करता हूँ और अपने बॉस से भी निपटता हूँ मैं, यहाँ पर ये सारे के सारे लोग। अरे दोस्तों देखो, मैं भी तुम्हारी तरह बन चुका हूँ गॉड वेनम, कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा हूँ ना मैं।